इस सवाल के जवाब में हर एक ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। हर एक ने अपनी राय बताई कि 14 अगस्त अमन के साथ मनानी चाहिए और ये यंग लड़कों के लिए पैगाम है। और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। और आपको उनकी राय बताएंगे वो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। मेरी वीडियो पूरी देखना और पूरी देखने के बाद कमेंट और लाइक जरूर करना। चंदू समाज जा रहा है इंटरव्यू लेने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम पूछेंगे 14 अगस्त कैसे मनाई जाए, कोई नुकसान भी ना हो। एक इस भाई का इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर आ जाए। भाईजान आपका नाम क्या है? भाईजान आज हम पूछ रहे हैं कि 14 अगस्त कैसे मनाई जाए। आजकल ना लोगों को अक्सर लड़के जो होते हैं ना वन विलिंग वो जो होता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन करना, सवाल करना है कि 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक जी? सर जी असं पूछन डे हैं कि 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए। ये आजकल जो लड़के होते हैं वन विलन करते हैं, पता ना वन विलन क्या होता है, ये अच्छी बात। चलो एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा, वो फुल्ले बेच रहा था। मैंने कहा यार उससे मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो आया उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। प्लीज मैंने चेंज कर लिया वो शर्ट, वो मैं जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे छींटे जो होती है ना वो पड़ी है मुझ पर, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि 14 अगस्त वाली मैंने शर्ट चेंज कर दिया, सॉरी। ये माइंड नहीं करना, आए आप उसका इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, आगे हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? वारिस। अरे बाबा तुम्हारा नाम वारिस है, ये क्या कर रहा है? ये फुल्ले बेचते हो? तो स्कूल नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, ये भी काम कर। ठीक ठीक, अपने घर वालों के चार हटी है, बनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, परेशान होते हैं, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जान भी चली जाती है। बिल्कुल, अक्सर घर वाले परेशान होते हैं। हाँ। इनको नुकसान हो तो घर वाले परेशान होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 14 अगस्त सुकून से मनाई जाए, एक दूसरे को मुबारकबाद देकर। और जो सेंसर उतारते हैं बैं बैं लगाई होती है, पर लोग भी परेशान होते हैं, कानों में उंगली दे देते हैं। प्यार के साथ मनानी चाहिए, अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। बिल्कुल, ये उदारते नहीं करनी चाहिए, जो जैसा कि मिसाल के तौर पर जैसे ये अगर इकट्ठे ग्रुप होकर लड़कों में निकल जाते हैं, वन मिलिंग करते हैं, जी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे अमवात हो जाती है, हर साल का रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। बहुत मेहरबानी भाई जान, थैंक यू। कर रहे हो घर का सर्कट चलाने के लिए? घर का हाँ काम। तो कितने भाई हो आप? तीन। तीन भाई, वो भी काम करते हैं? हाँ जी। तो 14 अगस्त आ रही है, आपको पता है? हाँ जी। कपड़े लिए ने? हाँ जी। तो 14 अगस्त कैसे मनाते हो? घर में झंडिया लगाते हो? तो इस कैमरे में कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। ये बुरी बात है, बुरी बात है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े घर वाले परेशान होते हैं। तो आप मैसेज दें कि ऐसा ना करें, प्यार से 14 अगस्त मनाएं। ये सेंसर ना उतारे जो गैंग गैंग करते हैं, कानों में आवाज आती है, लोगों को परेशान करते हैं, कह दें कि ऐसा मत करें। सर थोड़ा सा आज मेरे साथ किसी कुछ नहीं था, मैं करूँगा ना करूँ? जी जी, तो पूछिएगा। नहीं नहीं कोई नहीं, हर एक का अपना माइंड है। जेब जो अपने में डाला है वो गाड़ी कर के हाथ, कौन किसी को पूछता है? कोई नहीं पूछता ना, ऐसे जी मतलब के कौन ने किसी ने सलाह दी थी या जो मतलब खराब हो गया टेंशन होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया जी, थैंक यू चाचा जी। मगराट जो क्या उसे कहते हैं, सिलेंसर उतार के लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सही बात है कि नहीं सही? हमें कैमरे में बताएं, हमें ये गलत बात है। बिल्कुल, 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? धन्यवाद। कोई इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो, इससे वो लफ्ज बोले नहीं जा रहे, मैं खुद कह देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चंदू स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी कह रहे हैं चंदू स्मार्ट। धन्यवाद। कोई इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो, इससे वो लफ्ज बोले नहीं जा रहे, मैं खुद कह देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चंदू स्मार्ट। नहीं भाई, एक सवाल, बस एक सवाल। पावे किड़ा सीरियस हो रहा है कहीं ता? नहीं, एक सवाल बस। ओ भाई भाई,
यार 100 बस बना नहीं।